हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ NBM क्लासेस। कल मैंने आपको 31 से 39 तक का स्क्वायर्स बताया था। आज मैं इसको कंटिन्यू करते हुए आपको स्क्वायर्स बताऊंगी, 41 से लेकर 49 तक स्क्वायर्स बताऊंगी। तो देखते हैं कि 41 से 49 तक का स्क्वायर्स निकालना कितना इजी है। 41 का स्क्वायर सबसे पहले आप लिखोगे। सबसे पहले मैं 41 से 49 तक का स्क्वायर्स ऐसे लिख देती हूँ। 43 स्क्वायर, 44 स्क्वायर, 45 स्क्वायर, 46 स्क्वायर, 47 स्क्वायर, 48 स्क्वायर एंड 49 स्क्वायर। तो देखते हैं, इसमें एक ही स्टेप है, इसमें ज़्यादा स्टेप नहीं है, इसीलिए आपको बनाने में, याद रखने में बहुत इजी रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 41 में कितना नंबर ऐड करेंगे कि वो 50 हो जाए। यानी कि 41 में अगर आप 9 ऐड करोगे तो वो 50 हो जाएगा। तो जो नंबर आप ऐड कर रहे हो 9, उसका स्क्वायर ले लेना। यानी कि 41 में आप अगर 9 ऐड कर रहे हो तो उस 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 हो जाता है। अब क्या करना है आगे, 4 जो है, 41 में जो 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर मेरा 16 होता है। 4 जो 16। अब 1 का बिफोर क्या होता है, अब यहाँ यूनिट डिजिट का बिफोर आपको ले लेना है। यानी कि 1 का बिफोर क्या होता है, 0। यानी कि 4 जो 16, 16 प्लस 0 16। तो मेरा आंसर आ गया 41 का स्क्वायर 1681। नेक्स्ट स्टेप में 42 के स्क्वायर में सेम ऐसा ही प्रोसेस करेंगे। 42 में क्या नंबर ऐड करेंगे कि वो 50 हो जाए, यानी कि 8 ऐड करेंगे, उसी 8 का स्क्वायर आपको लेना है। यानी कि 8 जा 64। अब 4 का स्क्वायर मैंने पहले भी बताया आपको, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। और 2 का, इस यूनिट डिजिट में 2 का बिफोर क्या होता है, 1 होता है। तो 16 प्लस 1 17। तो 42 का स्क्वायर क्या हो गया, 1764। सेम उसी तरह 43 का स्क्वायर में भी देखेंगे। 43 के स्क्वायर में 43 में कितना ऐड करें कि 50 आ जाए, तो 43 में 7 ऐड करेंगे। यानी कि 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 49 हो जाता है। अब 4 जाए 16 होता है। अब 3 का बिफोर क्या होता है, 2। 16 प्लस 2 क्या हो जाता है, 18 हो जाता है। यानी कि 43 का स्क्वायर क्या निकल गया, 1849। नेक्स्ट 44 का स्क्वायर करते हैं। 44 में कितना ऐड करेंगे कि वो 50 बन जाए, 6 ऐड करेंगे, तो उसी 6 का स्क्वायर ले लेंगे। यानी कि 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे, शुरू वाले डिजिट का 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। अब 4 का बिफोर, इधर यूनिट डिजिट में जो 4 है उसका बिफोर क्या होता है, 4 का बिफोर 3। यानी कि 16 प्लस 3 19। द आंसर इज 44 का स्क्वायर क्या निकल गया, 1936। नेक्स्ट करते हैं 45 का स्क्वायर, सेम प्रोसेस है। 45 में कितना ऐड करेंगे कि 50 होगा, 5 ऐड करना होगा, उस 5 का स्क्वायर ले लेंगे, 5 जो 25। नेक्स्ट क्या करना है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 16 प्लस 5 का बिफोर क्या होता है, 4। 16 प्लस 4 क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। यानी कि 45 का स्क्वायर क्या निकल गया, 2025। 46 का स्क्वायर भी मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 46 में कितना ऐड करेंगे कि 50 हो जाए, यानी कि 46 में 4 को ऐड करना है, उसी 4 का स्क्वायर क्या करेंगे, 4 जो 16। अब यहाँ पर जो मैंने बताया था कि फर्स्ट डिजिट जो है 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। और 6 का बिफोर क्या होता है, 5। 16 प्लस 5 क्या हो जाता है, 21 हो जाता है। यानी कि 46 का स्क्वायर क्या निकल गया, 2116। सेम उसी तरह करेंगे 47 का स्क्वायर। 47 में कितना ऐड करेंगे 50 होगा, 3 ऐड करना पड़ेगा, उस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। अब आप देखोगे यहाँ 9 सिंगल डिजिट है, इसको डबल बनाने के लिए 09 कर देना है आपको, यानी कि दो डिजिट बनाना है। उसके बाद 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। और 7 का बिफोर क्या होता है, 6। 16 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी कि 47 का स्क्वायर क्या निकल गया, 2209। नेक्स्ट करते हैं 48 का स्क्वायर में कितना ऐड करेंगे कि 50 होगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, उसी 2 का स्क्वायर लेना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अब इसको डबल बनाने के लिए इसके आगे 0 लिख देना है। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। और 8 के बिफोर क्या होता है, 7। 16 प्लस 7 करेंगे तो ये बन जाएगा 23। तो 48 का स्क्वायर क्या हो गया, 2304। लास्ट 49 का स्क्वायर देखिए, ये आप भी खुद कर सकते हैं, फिर भी मैं दिखा देती हूँ आपको। इसमें 49 में कितना ऐड करने की 50 होगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। अब उस 1 का स्क्वायर कर लेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यानी कि 1 लिख दिए और उसके पहले 0 लिख दिए दो डिजिट बनाने के लिए। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। अब 9 का बिफोर क्या होता है, 8। 16 प्लस 8 करेंगे तो हो गया मेरा 24। तो 49 का स्क्वायर क्या निकला, 2401। तो देखा दोस्तों,
ये 41 से 49 तक का स्क्वायर्स निकालना कितना इजी है। आप दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे और इसको समझ जाओगे और कभी भूलोगे भी नहीं कि इसको निकालने के लिए जो तरीका मैंने बताया है ये बहुत ही आसान है। आज के लिए मेरे इस वीडियो में इतना ही। कल मैं आपको 51 से 59 तक का स्क्वायर्स बताऊँगी। थैंक यू।